आया गया है और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियाम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले प्रियाम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, यह हमारे संविधान और लोकतंत्र का फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूज को दर्शाता है। ये इतना रहते हुए भी, और एक बार मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात चली और भाषण भी हुआ 25 नवंबर 1949 को, ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। वॉट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज द सेपरेट आइटम्स इन द ट्रिनिटी। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू अवॉइड टू डाइवर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हर नागरिक को और खास तौर पर हमारी भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियां, संविधान निर्माताओं, लोकतंत्र संविधान और उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के बारे में जानना ही चाहिए। हमारे महान नायक महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अन्य आज़ादी के आंदोलन में इन मूल्यों के लिए कितनी कुर्बानी दी है ये आप जानते हैं। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर आपको क्यों इतना दर्द होता? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। पर मैं चेतावनी देता हूँ कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। हाल के दिनों में Please take your seat. Leader of the House will speak after that. I don't want one second. What is this? If leader of the opposition or leader of the House speak, they have to be heard in rapt attention. What they speak, the chair is there to look into it, number one. And number two, sir, the issue, you are digressing. Sir, I will be constrained to... एक मिनट में खत्म करता हूँ सर। मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूँ कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तत्व सदन के सामने रखे, इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं यह अच्छा नहीं है, इसीलिए। और मैं, आपने मुझे कई में है कहा है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स on preamble in school textbooks. Sir, सुनिए, सुनिए, पूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती है, लेकिन मुझे आज उनके बुद्धिमता पर भी और उनके नियतन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष के नेता को यह ध्यान में रखना चाहिए
कि देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए। और सोर्स सभापति जी कभी भी अखबार की कतरने नहीं होती है, सोर्स ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है। दूसरी बात, मैं यहां मैंने ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी है, ना मैंने चेंज देखा है, लेकिन मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत देकर के आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। और प्रियाम्बल के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता, वो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, दिस गवर्नमेंट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ मोदी जी इज कमिटेड। तीसरी बात, यह संविधान सभा को और संविधान सभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के संविधान दिवस के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? यह बताता है कि दिस गवर्नमेंट विच केम इन 2014 अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 26th ऑफ नवंबर डिसाइडेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस मनाया गया। इसी के साथ साथ मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान के ऊपर डाका तो डाला गया 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 times चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई है, पिंजरों में उड़ाई है। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपकी सरकार ने 2 लाख प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है, प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी, इस बात का मैं विश्वास। श्रीमती संगीता यादव, डिमांड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमन एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, नथिंग हैज बीन रिकॉर्ड। श्रीमती संगीता यादव, माननीय सभापति जी, आपने मुझे सेल्फ ग्रुप की महिलाओं के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संगीता। हमारी सरकार ने समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही अभूतपूर्व कार्य कर रही है। आज देश में लगभग 1 करोड़ समूह है और उससे 11 करोड़ लगभग महिलाएं जुड़ी हुई है, और अगर 11 करोड़ में देखा तो 44 करोड़ लोगों का मैटर आज मैं इस सदन में रख रही हूँ। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार लगातार उनकी आर्थिक क्रियाकलाप के लिए प्रयास कर रही है और राज्य सरकारें भी इसमें काम कर रही हैं, लेकिन अभी ये प्रयास उतने सफल नहीं हो पा रहे, इसीलिए मैं सदन के माध्यम से अपनी समूह की महिलाओं के लिए कुछ निवेदन करना चाहूंगी। माननीय सभापति जी, समूह की महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बहुत अच्छे पैमाने पर काम कर रहा है, उसको समूह की महिलाओं से भी जोड़ा जाए। केंद्र और राज्य सरकारों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि समूह की महिलाएं सामान तो बना देती हैं, लेकिन उनके उत्पाद को उतना बाजार नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए उचित बाजार उपलब्ध कराया जाए। और ब्लॉक स्तर पर माननीय सभापति जी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बीएमएम का भी बहुत योगदान होता है, और ये जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण देश में पेश कर रही हैं। तो ये जो बीएमएम हमारे हैं, उनकी भी एक एचआर पॉलिसी के लिए कुछ मांग चल रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि उस पर भी विचार किया जाए। सभी को प्रणाम। श्री साकेत गोखले, डिमांड फॉर वाइड पब्लिकेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स अमंग्स पीपल फॉर देयर इंक्रीज अवेयरनेस, अ गुड पॉइंट। थैंक यू सर। सो वी सी अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया व्हेन वी गो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इन द न्यूज़पेपर्स, ऑल ऑफ देम विद अ मैसिव पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लास्टर्ड एवरीवेयर। बट द इशू सर इज दैट व्हेन वी आस्क फॉर डेटा, द एनडीए गवर्नमेंट बिकम्स नो डेटा अवेलेबल। जब भी हम डेटा मांगते हैं किसी चीज पे, उस पे डेटा आता नहीं है। यू विल आस्क फॉर टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल वाटर कनेक्शंस, दे विल गिव यू डेटा रिगार्डिंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट द फाइनेंस मिनिस्टर वाज हियर टिल अबाउट 10 सेकंड्स अगो एंड शी हैज लेफ्ट द हाउस, बट सर देयर इज अ स्पेसिफिक इशू विद रिगार्ड्स टू डेटा दैट आई विश टू ब्रिंग अप इन दिस हाउस। सो दिस गवर्नमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ इवन ऑन क्लेम्स ऑफ डेटा दैट इज गवर्नमेंट डेटा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय स्टेट वेस्ट बंगाल। आवर फंड्स अंडर मनरेगा वर स्टॉप्ड इन द ईयर 2021, which incidentally also is the year when the BJP had a resounding defeat in West Bengal in the elections. Uske baad mein 2021, after the BJP lost, paisa hamara manrega ka release karna band kar diya. The excuse given by the government was that fake job cards have been found in West Bengal. Now I went to the website of the urban development, the rural development ministry. On their own website, government data says that 99.7% of job cards under manrega in West Bengal are found to be verified. Yes. 99.7% job cards. So my leader Abhishek Banerjee, during his speech in the Lok Sabha,
had raised a point which had also first raised 140 days ago. He challenged the finance minister to give a white paper showing whether a single penny under Manrega and PM Awas Yojana has been given to West Bengal after the BJP's humiliating defeat in 2021. 140 days, sir, he raised it in his budget speech in the Lok Sabha. I raised it again in the Rajya Sabha in my speech. What is unfortunate, sir, is that this no data available government, in the finance minister's response, she addressed everything except for giving a response or giving a white paper. It's a simple ask, sir. Whether money has been given to West Bengal since 2021 for Narega and Awas Yojana? Haan ya na, it's very simple. Haan to kitna paisa diya hai? What I don't understand is why is the finance minister, who in her speech read out data, read out tables, is not willing to give such a simple point. 2021 se how much has West Bengal been given? Why is she not taking up Abhishek Banerjee's challenge? Why is the finance minister scared to do so? Sir, I will tell you the statistics. Sir, total of 1.72 lakh crore rupees have been withheld from West Bengal since 2021. Yes, sir, this is nothing to do with Trinamool Congress, sir. This is money of the people of West Bengal. Please give a white paper, sir. That's my demand. Thank you, Maniya Saket Gokhale ji. Maniya Srimati Ranjit Ranjan, concerned over loss of natural resources due to developmental works in the mountains of the country. धन्यवाद सभापति जी. मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है. इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग छूटते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है. 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलप्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना, अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण चार धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रिस्क अभी तो चल रहा है. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है बल्कि मैं कहूंगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए. मैं आपको चार धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है. अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो चार धाम परियोजना है जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है जिसको 2012 में बनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है लेकिन वहां पे भी अंधाधुन पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है. मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है जहाँ से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है. आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है, वहाँ पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है. और जबकि वहां पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए, आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है. हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शियलाइजेशन करना है. मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए. और आज धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी. ऑनरेबल सीवी सनमुगम, टाइम इज ओवर. डिमांड टू रिस्टोर ट्रेन सर्विसेज व्हिच वर रिड्यूस्ड ड्यूरिंग कोविड-19 नॉट प्रेजेंट. Shakti Singh Gohil. Concern over plight of Indian children in foreign foster care. Please. I rise to highlight the twin demand of restoration and extension of train services in Southern Railway, Tamil Nadu, particularly my own district and my town Viluppuram and Dindigulam respectively. During COVID pandemic, there were restrictions on the movement of people and hence several trains had been cancelled, but even after the normalcy has been restored, the train services have not been restored, because of which nearly 10,000 people, including elderly peoples, college students, daily wages, labourers, ladies and business people are suffering untold misery every day. Dindigulam is a major hub having industrial estates like CIDCO and SIPCOT and on the major national highway, surrounded by Pondicherry, Viluppuram and Chennai. And people commute every day for their daily activities. All of them suffer because train services that were cancelled during COVID period had not been restored. I humbly request the Honourable Railway Minister to restore all the trains that were cancelled during COVID period in Southern Railway,
particularly the trains that were cancelled at Dindivanam, namely Uzhavan Express. The train name is just Uzhavan, the former express, but they are not benefited. And Mangalore Express, Salem Express, Karaikal Express. So secondly, electrification and doubling of lines have been completed up to Vilupuram from Chennai Egmore. The main idea behind electrification and doubling is to make available more train services for the daily users. But regular electric train service had not extended and started beyond Chengalpet from Egmore. Hence, the main motto of electrification and doubling has not been achieved. There is an urgent requirement for starting daily regular electric train services, including fast train to and from Chennai Egmore beyond Chengalpet up to Dindivanam immediately, which may be extended up to Vilupuram. Hence, through you, sir, I request the Honorable Railway Minister to restore the trains that were stopped during the COVID pandemic in Tamil Nadu, particularly Dindivanam, and to extend and start the daily regular electric train services, including the fast trains beyond Chengalpet to up to Dindivanam and Vilupuram. Thank you, sir. Thank you, Mani C.V. Sanmugam ji. Mani Sri Sakti Singh Gohil ji, concerned over plight of Indian children in foreign foster care. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं एक बहुत बड़े गंभीर मसले पे आपके जरिए सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. हमारे भारतीय लोग, इंडियन सिटीजन, बाहर काम करने के लिए जाते हैं. उनके बच्चों को बिना किसी वाजिब कारण के उठा के फॉस्टर केयर में डाल दिया जाता है, और ये वहाँ ना हमारी मदद मिलती है और वो बच्चे वहीं पर रहते हैं. जर्मनी में हमारी गुजरात के एक जैन फैमिली की सिर्फ 9 साल की बेटी अरिहा शाह, उसको जर्मनी ने फॉस्टर केयर में डाला. माननीय उपसभापति महोदय, क्या वजह थी? वजह सिर्फ यही थी कि ऑयल का मालिश करके फिर जब वो नहलाने लगी, उससे हाथ से वो बच्ची फिसल गई, और जब टब में गिरी तो थोड़ी इंजरी हुई थी उसको. माता पिता अस्पताल लेके जाते हैं उस बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए, तब अस्पताल कहती है कि इसको जो इंजरी हुई है जेनेटिकल पार्ट पे, तो हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज हो, तो पुलिस केस बनेगा. माता पिता ने कहा जांच करवा लो, पुलिस केस बना. पुलिस ने कुछ नहीं पाया, फिर भी वो जर्मनी की सरकार कहती है कि तुम अपने बच्चे की ठीक परवरिश नहीं कर पा रही हो, इसको फॉस्टर केयर में. 9 महीने की बेटी है, 9 मंथ्स, आज उसको 3 साल होने जा रहा है, वो जर्मनी के फॉस्टर केयर में है. और ये यूएन कन्वेंशन में ये तय हुआ है कि किसी भी बच्चे को अपने कल्चर का अधिकार है. अब वो जर्मनी भाषा सीख लेगी. हमारे वहां जैन फैमिली जो गुजरात में होते हैं सर, वो कांदा प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं. वो नॉनवेज बेटी वहां खाएगी, उस परिवार पे क्या गुजरेगी? मैं ये कहना चाहता हूं आपके जरिए सरकार को भी कि अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री का कोई भी सिटीजन, ये बेटी इंडियन सिटीजन है, वो जर्मन सिटीजन नहीं है, यहां पैदा हुई है, हमारी नागरिक है, उसको वहां रोक के रखा. अगर डेवलप्ड कंट्री का एक भी सिटीजन एक दिन रोक के देखे कोई, हम तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम लाल आंख करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास 56 इंच का सीना है. मैं विनती करता हूं आपके जरिए, दिखाए वो सीना, दिखाए वो लाल आंख. हमारी बेटी को गुजरात में वापस लाना चाहिए, और अगर देर भी लगती है तो हमारे वहां गुजराती लोग हैं सर, कहते हैं कि उस बेटी को हमारे फॉस्टर केयर में डालो, ताकि हमारी संस्कृति भी रहेगी. कम से कम इतना तो सरकार करवा सकती है कि वहां की सरकार को मजबूर करे कि गुजराती लोग केयर करेंगे, उस गुजराती फॉस्टर केयर में उस बच्ची को रखना चाहिए, ना कि उस जर्मन के फॉस्टर केयर में जहां उसको बर्लिन से भी आगे ले गए हैं. कहां ले गए वो भी नहीं बताया. धन्यवाद. माननीय श्री निरंजन वीसी, कंसर्न ओवर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर उड़ीसा. थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, गिविंग मी परमिशन टू रेज एन अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस. सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो दिस अगस्ट हाउस रिगार्डिंग प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा. सर, द एयरपोर्ट वॉज डेडिकेटेड ऑन 17 April 1962 for the people of Odisha and for the people of nation. Government of India acquired international status to the airport on 30 October 2013, named as Biju Patnaik International Airport in the name of our legendary person, former Chief Minister, freedom fighter, aviator, late Biju Patnaik. 43 flights are being operated from Biju Patnaik International Airport every day to 24 destinations in India and abroad. The Biju Patnaik International Airport handles over 4.6 million people, passengers, every year, and profit exceeds to grow 35%. The Biju Patnaik International Airport is profit-making airport in India, and it is 8th most profit-making airport
out of total 102 airport in our country. So privatization, proposed privatization of Biju Patnaik International Airport after 62 years of successful operation is a matter of great concern. For whose interest the state government has not yet been consulted. The state government has not given any consent. The people of Odisha has not given their consent. And by privatization, the people of Odisha, the passenger particularly of Odisha, will lost everything. And particularly the STSC dominated state of Odisha, they will not get job opportunity in Biju Patnaik International Airport. So I urge the government to stop privatization of Biju Patnaik International Airport for the largest interest of people of Odisha. Thank you, sir. Dhanyavad Mani Niranjan ji. Maniya Srimati Priyanka Chaturvedi ji, concern over gender disparity in access to public utilities. Sir, thank you so much for allowing me to speak on an important subject. Sir, it is a matter of serious concern that with nearly a decade of Swachh Bharat Mission, the disparity in women's access to clean public utilities and conveniences is very prominent. Sir, we are 48% of the country's population, yet clean public toilets have still not been adequate enough and hygienic enough for us to be able to feel comfortable using them, sir. Sir, I speak across political parties. There are women here, women representatives here. When we are campaigning in different constituencies during the elections or for public work, we have faced the challenges to find clean access to toilet. Due to which, sir, we have noticed that women face not just health challenges, not just safety challenges, but also self-respect and dignity, sir. Sir, a recent study was carried out in Mumbai. I come from Mumbai. A recent study was carried out in Mumbai where it was reported that there is only one toilet seat for 752 men and one toilet seat for 1,820 women. Swachh Bharat guideline mandates that there should be one toilet seat for 100 to 400 men, one toilet seat for 100 to 200 women. So it's unfortunate, sir. What usually is found that the toilets are dirty, there are broken locks and doors, lack of running water and adequate lighting, due to which women don't feel safe enough to be using them. It is a huge challenge for women who are working outdoors, like the gig workers, to get access to clean toilet, and women who are forced to beg for alms, sir. So what is also unfortunate is that government, considering government has come up with a scheme and has been taking praises for it, even government offices lack access to toilets for women, for their women employees. Sir, a recent Supreme Court report has highlighted that 20% of the district court complexes in the country lack separate toilets for women. Moreover, only 6% of these toilets meant for women had sanitary pad vending machines. Sir, similar situation is faced at police stations. Allahabad High Court had to step in to remind the police stations that there are women inspectors too, women cops too, who need access to toilets, sir. Sir, it is a matter of grave concern, and through you, sir, I would request the honourable ministers and the government to look at this particular issue with concern. And while women in the Rajya Sabha, I mean, I've already highlighted that, I can imagine the 10 times pressure that women in the Lok Sabha face, considering they are working for the people and in their constituency, sir. Thank you so much for allowing me to raise this question. Thank you, Priyanka ji. Mani Sri Raghav Chaddha ji, demand to facilitate the entry of Sikh pilgrims for Gurdwara Nanka Sahib in Pakistan. They will all associate with this. Yes. Please associate and send your name. Sir, please, madam, take your... Please, madam, take your seat. They will associate and send their names. Please, Raghav Chaddha ji. Raghav Chaddha ji. No, Raghav Chaddha ji. Please, Raghav, aap log kaun hai? Please. Mere bas ki baat. Please, bole aap. सर, आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि उस बात का समर्थन इस सदन में बैठा हर सदस्य करेगा, क्योंकि ये बात करोड़ों पंजाबियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। सर, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ देश के ही दो हिस्से नहीं हुए, हमारे सूबे पंजाब के भी दो हिस्से हुए, एक पंजाब पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में शामिल हुआ। सर, जब देश का बंटवारा हुआ, तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब, जो लाहौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूँ, संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का, दर्शन दीदार का, खुले दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में तीन छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतजाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर एक कॉरिडोर बनाएं जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। मेरी दूसरी मांग,
श्री ननकाना साहब जी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुले दर्शन करने के लिए कोई वीजा, पासपोर्ट, फीस या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की जरूरत ना पड़े, एक सरल सा प्रोसेस हो। मेरी तीसरी मांग कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से 2-2.25 घंटे में पूरी की जा सकती है गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए, दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को जो अमृतसर से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है, उसे सेफ पैसेज बनाए ताकि श्रद्धालु और संगत वहां जाकर खुले दर्शन कर सके। सर, अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। इस संदर्भ में हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो भी कर सके हम भारत सरकार के साथ मिलकर करने के लिए पूरी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राघव जी, धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद, डिमांड टू स्टार्ट ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम गिरिडीह इन झारखंड टू कोलकाता एंड पटना। धन्यवाद।